बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया से चले जाने के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म और स्टार किड्स को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत का घर, सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को लेकर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन करने में लगी है और अब यशराज फिल्म सवालों के घेरे में आ गया है। आपको बता दें, यशराज के साथ सुशांत का 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया और अब इस बारे में नई अपडेट पुलिस के हाथ लगी है। कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी पुलिस पहले ही ले चुकी है और अब डिटेल्स को देखकर पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत और यशराज फिल्म्स के बीच 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। पहली फिल्म के लिए सुशांत को 30 लाख रुपए दिए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट में आके बताया गया कि अगर उनकी पहली फिल्म हिट होती तो दूसरी के लिए सुशांत को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर दूसरी फिल्म भी हिट होती है तो तीसरी के लिए सुशांत को 1 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी। सुशांत ने यशराज के साथ जो पहली फिल्म की वो शुद्ध देसी रोमांस थी, इसके लिए सुशांत को 30 लाख रुपए मिले। दूसरी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जिसके लिए सुशांत को 1 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि इस बात को साफ नहीं किया गया कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट में 60 लाख रुपए लिखे हैं तो सुशांत को 1 करोड़ रुपए की रकम क्यों की दी गई। कोई भी फिल्म हिट या फ्लॉप हुई, इस बात का निर्णय खुद यशराज फिल्म्स को ही करना था। सुशांत ने यशराज के साथ तीसरी फिल्म पानी साइन की। इस फिल्म को डायरेक्टर शेखर कपूर बनाने वाले थे। यशराज के अधिकारियों ने पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट में बताया कि ये फिल्म इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि आदित्य चोपड़ा और शेखर कपूर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। आपको बता दें, 27 जून को यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। शानू शर्मा उन एक्टर्स को संभालती हैं जो YRF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। शानू इसी के जरिए सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।